नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहना, ठीक है। तो देखिए, हमारा समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन दिया है 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए, ये समांतर श्रेणी का चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा आप लोग समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर को मान लेना दोस्तों। तो आप लोग लिखना, सबसे पहले माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए माना, ठीक है दोस्तों, तथा सर्वांतर को डी मानते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो दिया गया समांतर श्रेणी है उसको लिख लेना। दिया गया समांतर श्रेणी है हमारा 27 है, 24 है और ये 21 है। तो इसमें कौन सा पद शून्य होगा, इसी को निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग प्रथम पद निकालना और सर्वांतर निकालना। तो आप लोग जानते ही होंगे, जो भी श्रेणी दिया रहता है उसका शुरू वाला पद, स्टार्ट वाला पद ही प्रथम पद कहलाता है। तो इस श्रेणी में प्रथम पद है कौन, 27 है दोस्तों, जिसका प्रथम पद 27 होगा, ठीक है। प्रथम पद जो है, ए का मान जो है वह 27 होगा। अब उसके बाद क्या निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं दोस्तों। और सर्वांतर तो आप लोग निकालना सीख गए हो, है ना, सर्वांतर निकालना आप लोग जानते हो। दूसरा पद में प्रथम पद को घटाते हैं, अर्थात 24 में 27 को घटाया जाता है दोस्तों। तो डी का मान यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा -3, ठीक है। हमें प्रथम पद का मान मिल गया और सर्वांतर का मान मिल गया दोस्तों। तो इसमें कौन सा पद शून्य होगा बोला है दोस्तों। तो आप लोग माना कि एनवा पद शून्य होगा, ऐसा लिख लेते हैं दोस्तों। माना कि एनवा पद क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा, ठीक है। तब क्या होगा, शून्य होगा तो टी एन का जो मान होगा वह 0 होगा दोस्तों। तो हम लोग टी एन का फार्मूला जानते हो, आप लोग सब लोग जानते हो, टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ए का मान पुट करो, डी का मान पुट करो और एन का मान निकालो दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ए का मान है 27, यहाँ पर पुट करो 27 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान हम लोग निकाले हैं -3 बराबर 0, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, 27 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा एन माइनस वन गुणा -3 इक्वल टू -27, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए, गुणा का संबंध है -3, पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर भाग में आता है दोस्तों। तो अगला नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू -27/-3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू 27/3, ये 3 × 3, 3 × 27, 9 बार से कट गया तो एन माइनस वन इक्वल टू 9 मिला। अब उसके पश्चात माइनस एक को उधर ले जाएंगे तो 9 में 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा 10, अर्थात इसमें पदों की संख्या क्या मिला, 10, ठीक है। अतः यही उत्तर बनता है दोस्तों, अतः 10वां पद का मान क्या होगा, शून्य होगा। अतः 10वां पद का मान शून्य होगा, यही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।